जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं स्वामी राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए वीडियो में, जहां आज हम तुला राशि के मई 2024 के राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। तुला राशि के लिए मई 2024 में दो मुख्य घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति 1 मई से राशि परिवर्तन करके तुला राशि वालों के लिए उनके अष्टम भाव के अंदर विराजमान होने वाले हैं। इसके साथ साथ मुझे नजर आ रहा है मंगल और राहु का अंगारक योग का निर्माण होना, जो कि तुला राशि के लिए उनके छठे भाव में हो रहा है। ये राशि परिवर्तन क्या तुला राशि वालों को करेंगे आबाद, या फिर कहीं तुला राशि वाले इस बदली ग्रह चाल से ना हो जाएं बर्बाद, मैं स्वामी राजर्षि आज इस विषय पर आपसे चर्चा जरूर करूंगा। आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों को अपना आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे नए प्रयास हैशटैग आज स्वामी जी को खूब सारा प्यार और समर्थन दे रहे हैं। इस प्रयास के अंतर्गत मैं अपने उन सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं जो मुझसे वैदिक ज्योतिष से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्या का उपाय लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है हैशटैग आज स्वामी जी, उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। मैं आपको निशुल्क वैदिक ज्योतिष परामर्श प्रदान करूंगा। वो कैसे, मैं अपने हर नए वीडियो के अंदर आप लोगों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इस समय पर आपके लिए चिंता फिक्र का कारण बना हुआ है, किस ग्रह से आपकी समस्या का समाधान निकल सकता है और वो कौन से उपाय हैं जो मात्र 2 से 3 महीनों में करके आप अपनी परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर से ये सारा जो परामर्श है मेरा वो निशुल्क है, ताकि उन सभी लोगों की मैं मदद कर सकूं जो अभी फाइनेंशियली तंग है, हाथ उनका टाइट है, मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट ले पाने में वो असमर्थ है। तो जिसके भी मन में कोई भी प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी परेशानी मुझसे शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। बात करना चाहूंगा तुला राशि वाले जातकों के बारे में। ये जो मेरा विश्लेषण है ये उन सभी लोगों पर एकदम सटीक रूप से लागू होने वाला है जिन भी लोगों की तुला यानी कि लिब्रा चंद्र राशि है, या जिन भी लोगों का नाम आर या टी अक्षर से शुरू होता है। इसके साथ साथ आपको इस विश्लेषण को बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि के लिए मई 2024 के अंदर कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, ग्रहों की क्या चाल इस समय पर तुला राशि पर चल रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि तुला राशि वालों को इस ग्रह चाल की वजह से कहां से सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि के लिए मई 2024 के अंदर कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिन पर उनकी सक्सेस के चांसेस 75 से 95% तक बढ़ सकते हैं। इन तारीखों को हर तुला राशि वाला नोट जरूर कर ले, क्योंकि इन तारीखों पर आप लोग अपने हर प्रयास में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तुला राशि के लिए मई 2024 के अंदर आखिर कहां से चुनौतियां आ रही हैं। अंत में मेरा हैशटैग आज स्वामी जी सेगमेंट होगा, और ये उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो लोग अपनी जन्म कुंडली का स्वयं विश्लेषण करना चाहते हैं, मेरे अनुभव के आधार पर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सीखना चाहते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण से संदर्भ में। चलिए अब तुला राशि की मई 2024 की कुंडली को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर तुला राशि के अंदर लग्न भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा भाव मुख्य ग्रहों से इस समय पर वंचित है। पंचम भाव में शनि देव जी कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि के अंदर विराजमान है, इनकी वजह से क्या आपको फायदा मिलने वाला है इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि एक शश महापुरुष राज्यों का यहां पर निर्माण हो रहा है सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए। इसके बाद बात करूंगा छठे भाव की, क्योंकि वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इस समय पर तुला राशि को दिख सकती हैं। मंगल राहु मिलकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ चुनौती आपके जीवन में जरूर लेकर आएगा। कौन सी वो चुनौतियां आ सकती हैं
आज हम इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। आगे सप्तम भाव के अंदर बुध देवता विराजमान है, अष्टम के अंदर बृहस्पति का प्रवेश 1 मई 2024 से हो रहा है। यहां पर आकर वो तुला राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय पर शुक्र और सूर्य भी उनके साथ विराजमान है और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा संयोग बन रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। बात करूंगा नवम दशम और एकादश भाव की, जो कि मुख्य ग्रहों से वंचित है, और द्वादश में केतु इस समय पर कन्या राशि आपके खर्चों के भाव में विराजमान है। चलिए आइए देखते हैं कि इस ग्रह चाल की वजह से आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज मई 2024 में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले नजर डालेंगे अष्टम भाव पर, जहां हो रहा है देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश। तो देव गुरु बृहस्पति यहां अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। अब यहां पर शुक्र देवता भी उनके साथ विराजमान है, दोनों मिलकर आपके लिए एक बहुत अच्छे संयोग को बना रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है बहुत समय से आपने कुछ मन में ठान के रखा हो, अब इस समय पर आपको बल मिलेगा कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। जो अपने प्लान्स आपने बनाए थे, चाहे आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का कोई प्लान बनाया था, अपने करियर पाथ को चेंज करने का कोई प्लान बनाया था, इस समय पर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलेंगे। विपरीत राज्यों की वजह से शॉर्ट टाइम के लिए थोड़े से कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, पर उनसे घबराए नहीं तुला राशि वालों। आपका तो वैसे भी स्वभाव हैप्पी गो लकी वाला होता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और मैं इससे खुश हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो उसी अपने अंदाज के साथ इस चेंज को आप अगर एम्ब्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे फल आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। तुला राशि वालों का इस समय पर जो रुझान है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या ऐसी ऑकल्ट साइंसेस में बढ़ सकता है। टैरो रीडिंग के प्रति भी आपका रुझान बढ़ सकता है, या ऐसे ही जो गुप्त साइंसेस होती है, जो डीप साइंसेस होती हैं, उनके प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, उनके प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। आपका मन करेगा इनको समझने का, इनको सीखने का, इनको अपने जीवन में अप्लाई करने का, और इनसे हो सकता है आगे चलकर आप समाज कल्याण भी करें। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। अगर आपने बहुत समय से मन बनाया हुआ था कि मुझे ये सीखना है, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इसे अपने जीवन में अपनाना है, तो इस समय पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन चीजों की स्टडी करके आप अपने जीवन में वो चेंजेस कर सकते हैं जिनसे लक आपके और ज्यादा फेवर में आएगा। जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो फर्दर आपसे हार्मोनाइज करेगी और आपके जीवन में आ रहे हर्डल्स को दूर करेगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज मुझे उन तुला राशि वालों के लिए नजर आ रही है जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर अगर आप रियलिटी सेक्टर के अंदर स्टील और आयरन, सीमेंट, इन सेक्टर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय पर कोई बड़ा लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। आपके अगर कोई पुराने इन्वेस्टमेंट हैं तो वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा इस समय पर दे सकते हैं। तो ये एक और प्रबल संभावना है मुझे तुला राशि वाले जातकों के लिए नजर आ रही है। इसके साथ साथ देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अपने सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में भी मिलेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो इमूवेबल एसेट्स में भी ग्रोथ के चांसेस मुझे इस समय पर नजर आ रहे हैं। कई सारे तुला राशि के जातक इस एवेन्यू को इस समय पर एक्सप्लोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये थी वो सारी गुड न्यूज जो मैं तुला राशि वाले जातकों को मई 2024 के अंदर देना चाहता था। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, ये वीडियो अगर अब तक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करने के लिए #AskSwamiji लिखकर आप अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जब अपने आने वाले वीडियोस में आपकी कुंडली का विश्लेषण करके मैं आपको उपाय बताऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त जरूर हो। चलिए अब तीसरे नंबर पर इस विश्लेषण के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो तारीखें जो कि तुला राशि वालों के लिए मई 2024 में सबसे लकी साबित होने वाली हैं, जिन तारीखों पर ऐसे विशेष मुहूर्त बन रहे हैं जो आपके सक्सेस के चांसेस को
75 से 95% तक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले करियर की दृष्टि से बताना चाहूंगा, अगर इंटरव्यू देना चाहते हो किसी नई जॉब के लिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं या कोई बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, तो ये तारीखें आपके लिए लकी साबित होंगी। ये तारीखें हैं 1 मई, 5 मई, 6 मई, 8 मई, 12 से लेकर 15 मई, 30 और 31 मई। अब बता रहा हूं वो तारीखें जो शेयर मार्केट में निवेश करने या लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए लकी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। ये तारीखें 3 और 4 मई, 6 और 9 मई, 10 और 12 मई, 17 मई, उसके बाद 21 से लेकर 25 मई, 27 और 28 मई, 29, 30 और 31 मई की तारीखें भी आपके लिए लकी नजर आ रही है। तुला राशि के जातक, अगर मई 2024 के अंदर कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर आप फैक्ट्री के लिए या अपने घर के लिए कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं या गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं, तो कुछ तारीखें आपको मैं बता रहा हूं जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। ये तारीखें हैं 15 मई, 20 मई, 21 से लेकर 22 मई, 27 से लेकर 31 मई की तारीखें भी आपके लिए लकी नजर आ रही हैं। मेरा ये लकी कैलेंडर विस्तार से देखने के लिए कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा अशुभ है, किस काम में कब सफलता मिल सकती है मई 2024 के अंदर, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपका दैनिक राशिफल भी व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर आप व्हाट्सएप पर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक पहले कमेंट में हमने दिया हुआ है। चलिए अब तुला राशि वालों, बात करूंगा उन क्षेत्रों की जहां से सबसे ज्यादा चुनौती आप लोगों की ओर बढ़ी चली आ रही है मई 2024 के अंदर। तो मुझे एक तो चिंता आपके बिजनेस को लेकर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पे बुध लोएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर आपके बिजनेस के भाव के अंदर विराजमान है, यानी कि बिजनेस जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, जो आपका पर्पस था बिजनेस स्टार्ट करने का, उससे कहीं भटके हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन का अत्यधिक दबाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर से खर्चे भी अपने बिजनेस में आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल और राहु ने अंगारक योग का निर्माण किया हुआ है यहां पर आपके छठे भाव के अंदर। यह आपकी कॉम्पिटिशन को बढ़ा देने वाला है। कॉम्पिटिशन ऐसी नई नई टैक्टिक्स, ऐसी नई नई टेक्निक्स लेकर आ रहा है अपना प्रचार प्रसार करने की, जिससे आप रेस में पिछड़ते चले जा रहे हैं, वो लोग आप पर दबाव बना रहे हैं। हो सकता है वो अपने रेट्स इतने कम कर दे रहे हैं कि जिस रेट पर आप अपना माल बेच ही नहीं सकते, जो कि आपके कस्टमर्स को आपसे दूर कर रहा है, कस्टमर आपसे कन्नी काट रहे हैं और दूसरे बिजनेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इस समय पर कॉम्पिटिशन को आप बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं आपके कस्टमर्स को हथियाने के लिए। इसके लिए वो आपके बिजनेस में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको काटने का उनको कोई प्रलोभन देंगे और उनको अपने यहां पर ज्वाइन करा लेंगे और उन्हीं के माध्यम से आपके कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपके बारे में मार्केट में अफवाहें भी फैला सकते हैं जो फर्दर आपके बिजनेस को और नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ भी आपके जो मतभेद हैं वो इस समय पर मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भारी व्यक्ति है जो कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहता है, शक की, भ्रम की स्थिति को फैलाना चाहता है, आपके या फिर आपके जीवन साथी के कान भर के आपको एक दूसरे से अलग करना चाहता है। ये सब चीजें मुझे इस समय पर नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको या जीवन साथी को कहीं दूसरे स्थान पर इस समय पर जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। हो सकता है कोई ऐसा अचानक काम पड़ जाए जिससे आप एक दूसरे से दूर हो जाएं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप बिल्कुल भी क्लियर ना कर पाए, जिसकी वजह से आगे चल के आपके रिश्तों में दरार भी आ सकती है। तो ये एक और प्रमुख समस्या मुझे तुला राशि वाले जातकों के लिए नजर आ रही है। तो ये था मेरा विश्लेषण तुला राशि को लेकर मई 2024 के अंदर। हो सकता है इनमें से कुछ घटनाएं आपके साथ घटित ना हो, जिसका मुख्य कारण आपके ऊपर चल रही ग्रहों की विपरीत महादशा हो सकता है। अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए आप मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और
इसके लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करना होगा। जो लोग फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी कुंडली का मुफ्त विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपको आपकी परेशानी का उपाय जरूर बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, हैशटैग आज स्वामी जी सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां हम देखेंगे कि किन लकी दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हैशटैग आज स्वामी जी में आज वो कौन लकी दर्शक है जिनको अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो पूछा है एक दर्शक ने जिनका हैंडल है @LataVasudev। इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा आदर्श, जिसका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि शादी इनकी कब तक हो जाएगी। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और देखते ही छूटते ही आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। इसमें ना टाइम ऑफ बर्थ बताया गया है, ना प्लेस ऑफ बर्थ बताया गया है। देखिए लता वसुदेव जी, एक दिन के अंदर हमारी जो लग्न है वो 12 बार चेंज हो जाती है, उसके बाद नवमांश कुंडली में भी कई बार परिवर्तन आ जाता है। नवमांश कुंडली 2 घंटे के 9वें भाग में चेंज हो जाती है, यानी लगभग मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो 13-14 मिनट के बीच में नवमांश कुंडली भी एक बार चेंज हो जाती है। और इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम शादी की तारीखें वगैरह निकालते हैं तो आप मुझे ना प्लेस ऑफ बर्थ बता रहे हैं, ना टाइम ऑफ बर्थ बता रहे हैं, तो कैसे मैं आपकी दुविधा दूर करूंगा, कैसे परेशानी का समाधान करूंगा? तो ये प्रश्न दिखाकर मेरा आप सभी दर्शकों से एक ही निवेदन था, एक ही पर्पस था इस प्रश्न को दिखाने का, कि जब भी अपना सवाल पूछें तो अपनी कंप्लीट डिटेल्स जरूर दें। डेट ऑफ बर्थ के बाद टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे दर्शक का सवाल लेते हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं जिनका हैंडल हमें दिख रहा है ऋतुपर्णा मलिक 5600, ये इनका यूजर हैंडल है। लिखते हैं इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दी है, और ये पूछ रहे हैं कि ये कब मां बन सकती है, कब संतान प्राप्ति का सुख इन्हें प्राप्त हो सकता है। तो कई बार ये मुझे प्रश्न मिलते हैं आप दर्शकों से, कुछ लोग जो हमसे पर्सनली कंसल्ट करते हैं उनकी भी यही चिंता रहती है कि सालों प्रयास करने के बाद भी संतान प्राप्ति के सुख से वो वंचित हैं। और मैं समझ सकता हूं कि संतान प्राप्ति कितना महत्वपूर्ण है, संतान की किलकारियां सुनने से, संतान के घर में जन्म लेने से एक रौनक, एक उत्सव, एक उत्साह घर के अंदर आ जाता है, लाइफ को एक पर्पस मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इन दर्शक ने जो अपनी बर्थ डिटेल्स दी हैं, इसके आधार पर कब इनके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो इनके द्वारा दी गई जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके आधार पर एक जन्म कुंडली मैंने आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत की है। और इस जन्म कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं कि लग्न मेष राशि की लग्न है, और इसके बाद राशि बन रही है धनु राशि, क्योंकि चंद्रमा 9वें स्थान में धनु राशि के अंदर विराजमान है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फिफ्थ हाउस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और फिफ्थ हाउस का स्वामित्व या उसकी जो लॉर्डशिप है वो किसके अधीन है, किसके पास है, कौन सा ग्रह उसे कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पांचवा जो भाव है सिंह राशि का भाव है, और सिंह राशि के स्वामी जी कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे सूर्यदेव, ग्रहों के राजा, ग्रहों के अधिपति सूर्य देवता। सूर्य देवता इस समय पर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है, यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इनका एस्पेक्ट यानी कि इनकी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि जो होती है वो पड़ रही है पंचम भाव पर, तो यानी कि सूर्य देव एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे संतान प्राप्ति के अंदर। अब एक और नजर देखते हैं, क्या इनकी कुंडली में कोई अन्य ग्रह भी पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है? तो ग्रह दृष्टि से तो कोई भी जो ग्रह है
चाहे मैं शनि की बात करूं, बृहस्पति की बात करूं, राहु की बात करूं, मंगल की बात करूं, कोई भी ग्रह यहां पर पंचम भाव को नहीं देख रहा। अब आइए एक नजर डालते हैं कि इनकी महादशा और अंतरदशा कौन से ग्रहों की चल रही है। तो इस समय पर आप चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा के अंदर है, और जिस भी ग्रह की महादशा हमारे ऊपर चल रही होती है वो एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है हमारी कुंडली के लिए। जिस प्रकार लग्न या राशि एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है हमारी कुंडली के लिए, इसी प्रकार जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वो हमारी कुंडली का एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। वहीं से हमको बाकी भावों को भी देखना चाहिए कि क्या इस केस में, जैसे हम संतान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या चंद्रमा से पंचम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह विराजमान है, क्या कोई संतान प्राप्ति कराने में कोई ग्रह कारगर साबित हो सकता है। तो इस समय पर अगर हम देखें तो देखिए चंद्रमा से पंचम स्थान जो बन रहा है वो शनि का स्थान है, शनि वहां पर विराजमान है, राशि बन रही है मेष राशि, ठीक है। अब वहां पर शनि अपनी नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो यानी निश्चित रूप से ये बाधा लेकर आएंगे, और इस समय पे जो अंतरदशा चल रही है वो भी इस समय पर शनि की अंतरदशा चल रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए एक फेवरेबल पीरियड अभी नहीं आया हुआ है। इसके बाद मंगल देवता की सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ रही है और अन्य कोई भी ग्रह यहां पर प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो यानी मंगल सपोर्टिव हो सकते हैं। मंगल को अगर मजबूत किया जाए तो निश्चित रूप से इस शनि की जो अंतरदशा चल रही है, जो 2023 से आरंभ हुई है, 2023 के मध्य से और जो भी 2025 के अंत तक लगभग चलने वाली है, उसमें मंगल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और सूर्य एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं संतान प्राप्ति करवाने में। तो इस केस में इनकी जो सूर्य की अंतरदशा चलेगी वो सूर्य की अंतरदशा जून और जुलाई के बीच में चलने वाली है। ये मैं प्रत्यंतर दशा की बात कर रहा हूं, यानी कि चंद्रमा के अंदर शनि के अंदर सूर्य की प्रत्यंतर दशा जो कि जून और जुलाई में चलेगी वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड हो सकता है संतान प्राप्ति की दृष्टि से। पर क्योंकि पंचम में बैठे हुए शनि संतान प्राप्ति में निश्चित रूप से विघ्न लाते हैं, अड़चन लाते हैं, संतान को हानि पहुंचाते हैं, तो यहां पर शनि देव जी से संबंधित उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मेरी आपको सलाह होगी, अब मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान से नोट कर लीजिए। उपाय है, सबसे पहले आपको देव गुरु बृहस्पति और सूर्य देवता इन दो ग्रहों के मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता है। रोज एक एक माला इनके मंत्रों का जाप कीजिए। देव गुरु बृहस्पति के मंत्र कौन से हैं? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये देव गुरु बृहस्पति का मंत्र है। इसके बाद सूर्य देवता का मंत्र कौन सा है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इन दो मंत्रों का एक एक माला जप आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इसके लिए आप लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को कम से कम शनि देव जी के मंदिर में जाकर शनि देव जी को सरसों का तेल अर्पित करें, उसके बाद काले तिल, मां की दाल और इसके साथ साथ कुछ कीले, काले चने, ये सब चीजें आप शनि देव जी को शाम के समय शनिवार के दिन आपको अर्पित करना है। उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, कृपया संतान प्राप्ति में आ रही अपनी जो विघ्न है, जो अड़चन आप डाल रहे, जो बाधा आप डाल रहे हैं, मेरी कुंडली में इस तरीके से आप विराजमान हैं, कृपया अपनी शुभ दृष्टि बनाएं, अपनी जो खराब फल हैं उनको दूर करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये आपको शनि देव जी से प्रार्थना करनी है। इसके अलावा तो चलिए अब यहां पर कुछ अंगूठियां भी आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है क्योंकि योग इतने कमजोर है कि हमें अंगूठियों का बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी है ताकि संतान प्राप्ति में ग्रह हमारी मदद करे। तो मैंने जैसे बताया मंगल देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए सफेद मूंगे की एक अंगूठी आप धारण करोगे। इसके बाद बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बृहस्पति देवता के लिए आप
पीला पुखराज धारण करोगे और यहाँ पर बृहस्पति देवता न केवल आपके राशि स्वामी है बल्कि आपके भाग्य के भाव नवम भाव के भी स्वामी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भाव होता है, भाग्य का जब तक साथ ना मिले तब तक हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है, चाहे फिर वो संतान प्राप्ति हो, हमारा करियर हो, घर बनाना हो, कुछ भी काम हमें करना हो, भाग्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाग्य के देवता बृहस्पति देवता को मजबूत जरूर करें और इसके साथ साथ जो संतान दे सकते हैं, जो संतान भाव के स्वामी है सूर्य देवता, उनकी अंगूठी को भी धारण करना बहुत जरूरी है। मूंगे की अंगूठी राइट हैंड की वाली उंगली में जाएगी, रूबी की अंगूठी भी आपके इसी उंगली में जाएगी और बृहस्पति की अंगूठी आप इस उंगली में धारण करेंगे। अब एक बात का बहुत ध्यान रखना, ये अंगूठियां तभी फायदा करती हैं जब ये मंत्र सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, जागृत हो। जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी, तब तक इनको धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। सुनार की दुकान से बनवा लो, रात में कच्चे दूध में भिगो लो, किसी से कोई काम नहीं बनने वाला है। यह अंगूठी मात्र ज्वेलरी का पीस बनकर रह जाएंगी। तो बहुत आवश्यक है कि जब भी अपने हाथ में अंगूठियां धारण करें तो एक योग्य विद्वान सिद्ध व्यक्ति ही उन्हें आपको मंत्र सिद्ध करके उन अंगूठियों को दे। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, मंदिरों के पंडितों पर इस बात के लिए भरोसा मत करना, क्योंकि मंत्र जाप तो वो बहुत ही कम करते हैं। जब तक वो एक सफिशिएंट संख्या में मंत्र जाप ना कर ले तब तक वो समर्थवान नहीं है इन अंगूठियों को सिद्ध करने के। तो मंदिरों के पंडितों से आप अगर इन अंगूठियों को सिद्ध कराते हो तो भी इनके जो फल हैं वो नाकाफी होंगे, ना के बराबर ही होंगे। तो अगर आप हमारे मंदिर से इसे प्राप्त करना चाहते, क्योंकि हमारे द्वारा जो सभी अंगूठियां हैं वो हम स्वयं सिद्ध करते हैं, हमारे जो गुरु जी हैं गुरु रजनीश ऋषि जी, जिन्होंने शनि पीठ मंदिर की स्थापना की है, 33 वर्षों से वो मंत्र साधना लगातार नित्य प्रतिदिन बिना नागा कर रहे हैं और इस वजह से वही एकमात्र ऐसे सिद्ध व्यक्ति हैं जो इन अंगूठियों को सिद्ध करके आपको दे सकते हैं। तो हमारी द्वारा जो दी गई सभी अंगूठियां हैं, सभी बाजूबंद, सभी लॉकेट, सारी चीजें वही सिद्ध करके हमें देते हैं। तो हम उन्हीं से ये सारी अंगूठियां तैयार करवाकर आपको भिजवाएंगे, हमारे गुरुजी ही इन अंगूठियों को तैयार करेंगे। और जब आप इनको जल्दी से जल्दी पहनेंगे तो निश्चित रूप से जब वक्त आएगा, यानी कि जून और जुलाई की जो विंडो हमें मिल रही है, उस दौरान जब इन सूर्य देवता का समय आएगा, इनकी प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो संतान प्राप्ति का जो आपका सपना है वो साकार हो सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आशा करते हैं कि संतान की किलकारियां सुनने की जो आपकी इच्छा है वो जल्दी पूरी हो। इसके लिए हमारे इष्ट देव शनि देव जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। इसके साथ साथ हमारे इस 29 तारीख को यानी 29 अप्रैल को हम एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में आपके नाम से हम आहुतियां भी प्रदान करेंगे। आप अपना नाम, अपने जो हस्बैंड है उनका भी नाम जो है वो कमेंट सेक्शन उनमें लिख दें ताकि हम उनके नाम से आहुति प्रदान कर सकें और आपके ऊपर आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाएं, इन नवग्रह देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। अगर ये अंगूठियां आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ये अंगूठियां मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अन्य दर्शकों को भी प्रेरित करना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है तो #AskSwamiji लिखकर आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दें। अपने आने वाले वीडियोस में आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपकी परेशानियों के ऐसे असरदार, सटीक और आसान उपाय बताऊंगा जिनसे 2 से 3 महीनों के अंदर ही बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में जरूर आएंगे। चलिए यहां पर वीडियो को मैं आराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप पर हमारे इष्ट देव शनिदेव जी की कृपा लगातार बनी रहेगी। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनि। जय शनिदेव। मेरा नाम कपिल देव है, मैं दिल्ली के दक्षिणपुरी एरिए से आया हूँ। मैं यहाँ गुरुजी से आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुजी ने मुझे ये बाजूबंद दिया था जिससे मुझे व्यापार में लाभ हुआ है, जिसके कारण मैं गुरुजी के पास दोबारा आया हूँ। अगर आप में से किसी भी मेरे भाई या बहन या मेरे बड़े
पिताजी की उम्र के एवं बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग आदमी को या माता जी को किसी को समस्या हो तो वह 16/24 ईस्ट पटेल नगर में आके गुरु रजनीश ऋषि गुरु राज ऋषि जी से स्वयं मिले, आपकी उनके ऊपर कृपा बनेगी, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा, आपको जय सिंह दे।